कनाडा के विनिपेग शहर में खालिस्तानी आतंकी सुखदूल सिंह मारा गया है। विनिपेग में एक गैंग वॉर में अज्ञात हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी है। बता दें कि बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने 43 गैंगस्टरों की लिस्ट जारी की थी। सुखदूल सिंह उर्फ सुखा दुनके का नाम भी उसमें शामिल था। सुखा दुनके मूल रूप से पंजाब के मोगा का रहने वाला था। वो खालिस्तान टाइगर फोर्स के साथ जुड़ा हुआ था और आतंकी अर्श डल्ला का करीबी था। अर्श डल्ला भी भारत में वांटेड है। हाल ही में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद सुखा अपने गैंग को फिर से मजबूत करने में लगा था। बता दें कि सुखा एक पंजाबी गैंगस्टर था और भागकर कनाडा में बस गया था। सुखा दुनके कौन था? सुखदूल सिंह उर्फ सुखा दुनके एक गैंगस्टर था। सुखदूल के खिलाफ कई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। जबरन वसूली, सुपारी किलिंग, हत्या जैसे आपराधिक मामले हैं। पंजाब में दविंदर बम्बीहा गिरोह के साथ जुड़ा हुआ था। 2017 तक पंजाब में गंभीर अपराधों के 7 मामले दर्ज थे। सुखदूल सिंह मोस्ट वांटेड गैंगस्टर में एक बन चुका था। 2017 में सुखा फर्जी कागजात लेकर कनाडा भाग गया। भागने में 2 पुलिसकर्मियों ने भी उसकी मदद की थी। मोगा पुलिस ने दोनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया था। सुखा खालिस्तान समर्थक ताकतों के साथ जुड़ गया था। वो कनाडा में रहकर ही भारत में बम्बीहा गैंग को चला रहा था। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में गैंग को फंडिंग करता था। सुखा दुनके पंजाब में लगातार अपराधों की साजिश रच रहा था। पिछले साल 14 मार्च को सुखा दुनके ने जालंधर के मल्लिया गांव में एक मैच के दौरान अपने साथियों की मदद से कबड्डी खिलाड़ी संदीप सिंह नग्गल की हत्या की साजिश रची थी। उसके खिलाफ पंजाब और आसपास के राज्यों में हत्या और दूसरे जघन्य अपराधों के कई मामले दर्ज थे। NIA के मुताबिक सुखा कनाडा गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला का करीबी माना जाता था, जो गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई का राइवल था। शीर्ष खुफिया सूत्रों का मानना है कि हरदीप सिंह निज्जर और सुखा जैसे खालिस्तानी आतंकियों की हत्या गैंगस्टर समूहों के बीच दुश्मनी का नतीजा है। सूत्रों ने ये भी कहा है कि ये गैंगस्टर ग्रुप पैसे की खातिर खालिस्तानी आंदोलन का अगुवा बनना चाहते हैं। शीर्ष खुफिया सूत्रों ने बताया है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे खालिस्तानी समर्थक इमिग्रेशन बिजनेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, और चूंकि इन गैंगस्टरों की उपयोगिता खत्म हो गई है, इसलिए इनकी हत्या करने के लिए लोकल गैंगस्टरों को नियुक्त करते हैं। कनाडा बेस्ड इन खालिस्तानी समर्थक समूहों को एक और डर है कि उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर और सुखा जैसे गैंगस्टरों की ओर से भारत में जो कुछ भी वारदातें कराई है, वे उसका खुलासा कर देंगे। खालिस्तानी समूह युवाओं की भावनाओं और मजबूरियों का शोषण कर रहे हैं और फर्जी भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं।